हेलो एवरीवन वेलकम टू सुमेज ट्यूटोरियल आज की जो टॉपिक है फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट टू फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट वन कवर हो चुकी है फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड पेयर ऑफ़ ओवरी पेयर ऑफ ओबीडक्ट यूट्रस सर्विक्स वजाइना एंड एक्सटर्नल जीनिटीरिया तो एन में जो डायग्राम दी हुई है उस डायग्राम से भी हमने देखा था सारे पार्ट को मैंने बताया था ओके तो आप चैनल पर न्यू हैं आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से देख सकते हो तो आपको मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल तो भी स्टार्ट करते हैं द यूट्रस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड यूट्रस क्या होती है सिंगल होती है तो ओवरी एंड ओवीडक्ट क्या होती है ओवीडक्ट फेलोपियन ट्यूब ये पेयर में होती है बट यूट्रस क्या होती है सिंगल होती है एंड जैसे वोम कहते हैं नेक्स्ट द सेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इम्बोटेड पीयर तो जो यूट्रस की सेप होती है पियर लाइक पियर नाशपाती को अगर आप उल्टा करके दिखोगे तो उस वो जैसे दिखती है वैसे ही क्या होती है यूटरस की सेप होती है तो आप इस फिगर से देख रहे हो ये जो रीजन है यूटरस है इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट अटैच टू देल्विक वॉल ये क्या होती है अटैच होती हैं पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू तो पेल्विक रीजन कहाँ पे होती है पेल्विक रीजन किसे कहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि पेल्विक रीजन एब्डोमिनल कैविटी और थाई के बीच वाली जो रीजन होती है उसे पेल्विक रीजन कहते हैं एंड फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में लोकेटेड होती है तो पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है यूट्रस यूट्रस ओपन इन टू वजाइना अ नैरो सर्विक्स एंड यूट्रस ओपन होती है वज़ाइना से आ, सर्विक्स आ, जो नारो सर्विक्स होती है सर्वाइकल कैनाल वहां से क्या होती है होते हुए वजाइना से ओपन होती है यूट्रस तो आप ये पार्ट आप फिगर से देख रहे हो ये रीजन क्या है यूट्रस है सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल एंड वजाइना तो जो यूट्रस है वो ओपन होती है सर्विक्स से होते हुए वजाइना के थ्रू ओके नेक्स्ट द केविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल एंड विच लॉन्ग वजाइना फ्रॉम दी बर्थ कैनाल तो इन सारे पार्ट को मैंने बता दिया था कि जो सर्विक्स कहते हैं सर्वाइकल कैनाल्स होती हैं जो उनकी जो कैविटी होती है सर्वाइकल कैनाल कहते हैं सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना बॉर्थ कैनाल कहते हैं बॉर्थ कैनाल क्यों कहते हैं कि तो जब बेबी की डिलीवरी होती है तो वो पाथवे है जिसकी जिससे क्या होती है बेबी डिलीवर होती है इसीलिए बॉर्थ कैनाल कहते हैं नेक्स्ट द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज थ्री लेयर ऑफ टिश्यू द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम एंड इनर ग्लैंडुलर लेयर कॉल्ड इंडोमेट्रियम तो यूट्रस की थ्री वॉल होती है तो so, मैंने आपको बताया था कि जो आउटर होती है पेरीमेट्रियम होती है थिन होती हैं एंड जो मिडिल लेयर होती हैं मायोमेट्रियम थिक होती हैं एंड ये स्मूथ मसल की होती हैं तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्मूथ मसल होते हैं एंड जो पेरिमेट्रियम होती हैं थिन लेयर होती हैं एंड इनर इंडो ग्लैंडुलर लेयर जो होती हैं इंडोमेट्रियम तो ये क्या होती हैं ग्लैंडुलर लेयर होती है एंड मिडिल लेयर जो मायोमेट्रियम होती है स्मूथ मसल होती है तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दी इंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेन्सरल साइकिल वाइल दायोमेट्रियम एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी तो जो इंडोमेट्रियम इनर लेर जो होती है ये क्या होती हैं मंसुरल साइकिल के टाइम साइक्लिकल चेंजेस आती हैं तो मंसरल साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंडोमेट्रियम की क्या रोल होती है एंड कि इनमें क्या साइक्लिकल चेंजेस क्या होती हैं ओके okay, तो आप अभी तक अभी ये याद रखो कि इंडोमेट्रियम में क्या होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम साइक्लिकल चेंजेस आती हैं एंड मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर है थिक लेयर है ये क्या होती है इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है जब बेबी की डिलीवरी होती है डिलीवरी टाइम क्या होती है कॉन्ट्रैक्शन होती है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कि क्या होती है बेबी क्या होती है बॉडी से बाहर निकल पाती है ओके okay. तो ये जो मिडिल लेयर होती है इस मिडिल लेयर में ही कॉन्ट्रैक्शन होती है ओके okay. तो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीमेल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मिल पाए थैंक्स फॉर वॉचिंग